हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है फाइनली अपना जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप मैं अमेजोन पे ऑर्डर किया था वो डिलीवर हो चुका है घर पे। चलते हैं फटाफट से घर पे, उसको अनबॉक्स अनरैप जो भी है करते, हेलमेट पे सेटअप करते। एक छोटा सा मोटो व्लॉगिंग आएगा इस वीडियो में, पूरे वीडियो के लिए बने रहना, एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड मैंने जो एक नया इंट्रो भी बनाया है अपने चैनल का, लाइक पुराना इंट्रो देख देख के शायद कुछ लोग बोर हो गए होंगे, तो एक नया स्वीट सिंपल सा इंट्रो है। देखो कैसा लगा वो वाला इंट्रो, मेरे को कमेंट करके बता। तो गाइस जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था वो यही है, इसको अभी फटाफट से अनबॉक्स करते, बता तो इसके अंदर क्या क्या आया है, एंड अपना हेलमेट है उसके ऊपर सेट करके भी देखते हैं। तो ये वो हेलमेट माउंट जो मैंने ऑर्डर किया है, हिफिन का है, एंड उन्होंने एक थैंक यू कार्ड भी भेजा है। तो अभी इसको खोलते देखते अंदर क्या क्या निकलता है। ये तीन चीज़ निकली है, ये है अपना हेलमेट माउंट, इसके थ्रू अपना मोबाइल जो है होल्डर वो हेलमेट पर लगा रहेगा, ये मोबाइल होल्डर एंड ये जे पिन। तो अभी सब इंस्टॉल करते हैं। ये जो है अपना हेलमेट माउंट है, एंड ये जो है अपना इसमें अंदर लगेगा, इसके ऊपर जो ये पिन है, ये पिन के ऊपर मोबाइल माउंट लगेगा, एंड मोबाइल माउंट में अपना मोबाइल आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी कैमरा है नहीं तो मैं मोटो ब्लॉगिंग मोबाइल से करने वाला हूँ। एंड ये सबको मैं असेंबल करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। तो गाइज़ ये जो है ऐसा कुछ सेटअप हुआ है, यहाँ पर अपना मोबाइल आ जाएगा, एंड ये जो है ऐसे अपने हेलमेट पे लग जाएगा तो अच्छे से मोटो व्लॉगिंग कर पाएंगे। तो गाइज ऐसा कुछ रहेगा अपना सेटअप, यहाँ पे अपना मोबाइल आ गया मोबाइल होल्डर के अंदर, एंड इसको हम हेलमेट पे लगा के एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से स्क्रू को ढीला करके, ये इसका एंगल हम लोग एडजस्ट कर सकते। तो अभी निकलते थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग करते, देखते कैसा आता है। हेलमेट पे लगने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है अपना सेटअप, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपना राइडिंग जैकेट भी अटका हुआ है, मैंने स्टैंड बनाया था एक। तो ऐसा कुछ दिख रहा है अपना सेटअप, यहाँ पे अच्छे से माउंट हो चुका है, ये हिल भी नहीं रहा है, एंड अच्छा खासा स्टेबिलिटी देगा अपने फ़ोन को। तो अभी चलते एक छोटा सा मोटो व्लॉग करके आते। तो गाइस आई होप कि आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही होगी एंड डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो। तो यही है अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप, आई होप कि व्यू अच्छा खासा आ रहा होगा, एंड थोड़ा सा यहाँ पे खाली रास्ता है, रेस करते हैं बाइक को। एंड स्टेबिलिटी अच्छी खासी है शायद से, आई गेस फ़ोन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि हिल रहा होगा, बट माइक के सेटअप का कुछ करना पड़ेगा अपने को। तो यही है अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप, आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये एंगल, धीरे धीरे और ग्रो करेगा अपना चैनल, तो बने रहिए वीडियो पे। ये टर्न बहुत रिस्की है, यहाँ पे लोग ने ना मिट्टी डाल के रखे तो उस वजह से काफ़ी रिस्की टर्न है। तो अभी शाम के 5:56 हो रहा है टाइम, एंड मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा स्नैक्स लेने के लिए घर के लिए भी, तो इसीलिए मैं सोचा डिलीवरी भी हुई है अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप की आज ही, तो उद्घाटन भी कर लेते, उसका छोटा मोटो व्लॉगिंग भी हो जाएगा। तो अभी यहीं पे अपने वो काम है, थोड़ा सा स्नैक्स लेते हैं, बाइक पार्क करते फिर चलते। तो गाइस जो अपना काम था वो काम हो गया कंप्लीट, एंड अभी मैं निकला हूँ, एक छोटा सा काम और है वो कर लेते, एंड इसके पहले वाला जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए थे जस्ट अभी जो आपने देखा उसमें आई गेस कैमरा एंगल सही नहीं था, तो अभी मैंने वो कैमरा एंगल एडजस्ट कर दिया एंड वाइड एंगल मोड चालू कर दिया है, तो अभी आई गेस बेटर व्यू आ रहा होगा। सॉरी अंकल। तो एक छोटा सा काम और है, वो काम कंप्लीट करते
फिर चलते घर पे एंड मोटो व्लॉगिंग आई गेस अभी बंद करना पड़ेगा एंड अपना जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते क्योंकि अंधेरा हो चुका है थोड़ा एंड अभी वीडियो भी अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं होगा, तो व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड गाइज मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।